चलिए शुरुआत बुलेटिन की करें। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में एसवाईएल के बयान पर के मुद्दे पर बयान दिया है। पंजाब के पास उन्होंने कहा इतना पानी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा एसवाईएल का एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हर कुर्बानी के लिए तैयार बैठे हैं। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का पलटवार भी आया। उन्होंने कहा एसवाईएल का पानी कोई नहीं रोक सकता। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। यहाँ अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हमारे पास इतना पानी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक एक बूंद पानी की रक्षा करेंगे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसवाईएल पर हरियाणा का भी हक है, उसे वो लेकर रहेंगे। एसवाईएल के मुद्दे पर दोनों ही राज्य सरकारें अब आमने सामने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा वो शहीद तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हरियाणा के एसवाईएल के पानी को कोई रोक नहीं सकता, कितनी बड़ी ताकत लगा लें वो, क्योंकि अभी उनके हाथ में नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी हो ही गई है। जैसे उन्होंने पिछली बार अपना निर्णय लिया था तो उसमें से जो अनिकेबल सेटलमेंट के आज सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट की जानकारी जब हो गई है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट किसी के बंधे हुए नहीं होते, उनको तो अपना निर्णय देना ही होता है, इसलिए अपना निर्णय देंगे। ये निर्णय वो दे चुके हैं पहले के हरियाणा का हिस्सा एसवाईएल में है। अब उस पानी को लाने के लिए एसवाईएल के निर्माण का शेष विषय है और उसका जो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऑर्डर देंगे और वो जिस भी एजेंसी को कहेंगे, सामान्यतः केंद्र सरकार की किसी एजेंसी को जैसे पहले कहा था हमको लगता